क्यों आए तू यहाँ? छोड़ मुझे। जमनी तेरे को शर्म आज तेरे करे नहीं जाएगा, तू आज तू करे नहीं जाएगा, तेरे को पकड़ गया, छोड़ना नहीं इसको। पर वो जैसे डैन मिलेगा तो पर हमको नहीं छू पाएगा, वो हवा की तरह वो है ना जी, जैसे हवा नहीं चलती जी, वो चीज़ हवा की तरह तंपनी बोलता हम उसको ना तंपनी। पर मतलब छः महीने का मतलब सामने है ना, छः महीने तपस्या करते सबसे पहले, छः महीने तपस्या करने सबसे पहले शुरुआत वाला ना, एकदम ना एकदम का सम जप करते हम लोग, एकदम का जप करते वो जप करते ना, इसके लिए हम 3 साल 3 दिन 3 महीना करना पड़ता है। इसके लिए बिल्कुल खिड़की अगर ऐसे खोल गए तो ऐसे देखा था कि खिड़की से भी आदमी खड़ा हो गया, हाथ ऐसे ऐसे लेने ऐसे भी होता है हमारे यमदूत नहीं यमदूत उनको भी जवाब देना पड़ता है, कहीं किसी को आत्मा गुस्सा किसी को भूत प्रेत चलते सीधा चले जाते, जैसे ये वो भूत वाला भी ऐसे बैठे हम भी ऐसे बिल्कुल दोनों आपस में बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार उसी में बैठ पड़ते हैं। वो जो पहाड़ का जो है हमारा कोई देवी देवता वाले जी, वो लोग भी शुरू में तंग करते जी। छोटा सा बच्चा जो कि लामा की ड्रेस में है, जिसने कि एक लेपर्ड को अपने वश में कर लिया था, लेक के लिए उसे छोड़ देना, उसको जंगल में कहीं जंगल छोड़ देना, पूजा करने के लिए उसको मुक्त कर दे उस जिंदगी। आपका पाला डायन चुड़ैल या भूत पिशाच ऐसी किसी एंटिटी से पड़ा है? मिल गया, साथी मिल गया या डायन? नहीं, डायन मिल गया। अच्छा, बिल्कुल सफेद सफेद कपड़ा पहना था, सफेद कपड़ा। अच्छा, पूरा ह्यूमन शेप में दिखा आपको? सभी कपड़े पहने थे। फिर मैं पीछे मुड़ के देख लीजिए, पीछे मुड़ के तो कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं था। नहीं बेचारा, अभी अभी देख रहा हूँ तो डायन लोग बहुत डरते हैं मेरे से। पहले तो बोलते मम्मी को तो उसके लड़की को, उसके लड़की को तो उसके लड़की को, ऐसे चलते खानदान में, खानदान में चलता है डायनों का। आजकल ऐसा नहीं है, डरते आपसे तो डरते डरते भाग जाते, तो कोई कोई बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है ना कोई कोई। सारी डायने आपस में मिलकर एक मीटिंग करती है कि अब हमें किसके घर जाना है, उसमें शक्तियाँ स्टोर होती है, किसी को जो आत्मा चढ़ता है इसी से हम लोग इसी से मतलब उसको ना। और साधना के दौरान कभी आपको भगवान बुद्ध के दर्शन भी हुए? तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं हूं नीतीश राजपूत और स्वागत है आपका द लिमिटलेस टॉक एक और रोमांचक एपिसोड में। आज हम हैं स्पीति घाटी की एक बहुत ही खूबसूरत जगह काजा में। काजा अपने खूबसूरती के साथ साथ रहस्यमय जगहों के लिए, रहस्यमय शक्तियों के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और साथ ही साथ एक आध्यात्मिक स्थल भी है। इसलिए आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है छोवा जी, जो कि बहुत धर्म के साधक है, और आज हम बात करेंगे तंत्र साधनाओं के बारे में और स्पीति वैली की रहस्यमय शक्तियाँ, रहस्यमय कहानियाँ और रहस्यमय जगहों के बारे में। तो आज की पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली और इंटरेस्टेड होने वाली है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं शुरू करता हूँ आज की पॉडकास्ट। लाइट कैमरा साउंड एंड। मैं सबसे पहले तो जुले जी आपको कहना चाहता हूँ और थैंक यू सो मच, आपने समय दिया अपना, इतना आप बिजी थे, आप समय दिया आपने। तो गुरु जी, मैं ये जानना चाहता हूँ शुरू से कि आपको कितना समय हुआ साधना में, तंत्र में? देखो जी, हमारा जैसे सबसे पहले हम शुरुआत में हमारा तो जैसे कि एक उसमें जैसे खानदानी में जो है जी, अच्छा, ना जो जो खानदानी में जी जो पंडित खानदान जैसे नहीं है जी, हाँ, इसी खानदानी में जैसे कि वो लामा का जो लामा खानदान में चला जाता है ना जी, जी, तो इसीलिए पीढ़ी वाइज जी जी ना, उसके फिर हम सबसे पहले तो हम लोग गोंडो बोलते हैं, गोंडो वंडो वंडो मुझे सबसे पहले जैसे हमारा लामा का जो फाउंडेशन है जी, हमारा पूजा का जो फाउंडेशन होता है जी, जैसे हमारा घर बने तो घर का जो फाउंडेशन छीनने को तो मतलब घर गिरते जाएगा ना, बिल्कुल सबसे नहीं होगा। इस तरह हमारे भी जो लामा में जो लामा का जो मेन फाउंडेशन है, जो फाउंडेशन हमारा वंडो बोले, वंडो में सबसे पहले हम फिर वो लगाते, सबसे पहले तो छाक बोलते हैं ना, हम लोग छाक नहीं करते, वो 1 लाख छाक करना पड़ता है। अच्छा, और मतलब 6 महीने का हमारा साम होता है ना, इसके लिए हम 3 साल 3 दिन 3 महीना करना पड़ता है। इसके लिए 3 साल 3 दिन 3 महीने गुफा में खत्म हुआ हमारे ना, मुंडो खत्म होने के बाद फिर उसके बाद आइए आइए हमारा सम चलते रहेगा। जैसे हमारे जो जो अब हमने जो पूजा शुरू करते हैं जी, उसके लिए सबसे पहले सम हमारा तबियत से सबसे पहले वो जरूरी है हमारा जो खुद के लिए जी ना, खुद के लिए नहीं तो हम लोग अब खुद के लिए वो नहीं करते तो आगे दूसरों के लिए हेल्प नहीं कर सकते। बिल्कुल और दूसरों की हेल्प भी हम अपना जो ईदम के थ्रू ज्यादा ईदम के थ्रू से करते जी, तो नहीं तो हम जाके हम तो सब आदमी की तरह, अब लोग की तरह आदमी की तरह जी, तो पूजा नहीं होगा इससे। बिल्कुल, हमारे ईदम के थ्रू चलते जी, हमारे ईदम में ना ईदम का सम जप करते हैं हम लोग, ईदम का जप करते हैं, वो जप करते हैं ना, उसी थ्रू जो पूजा कर उसी थ्रू होते हैं। इसके लिए हम 3 साल 3 दिन 3 महीना करना पड़ता है। इसके लिए 3 साल 3 दिन 3 महीने गुफा में, हाँ जी गुफा में बैठ के किसी से नहीं मिलेगा जी, नहीं मिलता किसी से भी 3 साल 3 दिन 3 महीने नहीं मिलता है। और खाना कैसे? खाना जैसे कि पहले राशन थोड़ा बहुत शो करते, उसके बाद हम जैसे कि
हमने यहाँ से जिस दरवाजे में जो लेटर लिखता है जो हमारे एक आता है हमारे साथ कोई एक बंदा है एक हेल्पर तौर पर सिर्फ उनको मिलता वो हमारे साथ मतलब चौथ में बैठ सकता है बैठ सकता है वो भी फिर पानी वानी लाता है इससे सब वही लाता है हफ्ते में एक बार लाता है पानी कैन उसी कैन को हम एक हफ्ता मतलब गुजारना पड़ता है गुजारा करना पड़ता है फिर उसके लिए फिर हम लोग फिर खाना खाने के लिए राशन स्टोर करते फिर राशन जब खत्म होगा तो हमने लेटर लिखता है हम लोग लेटर लिखे मेरे इन्हें खत्म हो रहे बोल के बस दरवाजे बाहर रहना फिर वो हमारे हेल्पर जाएगी वो जाएगा लेटर लिखे फिर वो नीचे लेगी फिर वो बाहर आता बाहर तक अंदर नहीं आएगा बाहर तक आएगा फिर ऐसे करते फिर करते हमारा मतलब तीन साल तीन महीने गुजरना पड़ता है तीन साल तीन महीने और तीन दिन और गुरुजी जैसे तीन साल का समय है बहुत ज़्यादा हाँ जी इस बीच आपको शुरुआत में डर का भय का भी अनुभव होता होगा या उस समय कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी या कोई शक्तियाँ भी आपको आगे बढ़ने से तो रोकती होंगी काफ़ी मिलता है जी उसमें अच्छा काफ़ी मिलता है जैसे कि शुरुआत में तो हम कहीं पहाड़ में जैसे कि गुफा हुआ था ना जी करेंगे तो वो जो पहाड़ का जो है हमारा कोई देवी देवता हुआ जी वो लोग भी शुरू में तंग करते जी तंग करेगा जी वो भी खट कर खाना दरवाजे खट कर खाना कहीं छत जो थाला थाला से जाना सब कुछ वो करेगा उनके लिए फिर हमने जैसे कि बार वो लगा दें जी उसके लिए सुख उसके उसको शांति करने के लिए मतलब सुर लगा दें सुर सुर बन गया सुर हाँ सुर के लिए फिर हमने वो जो वो सत्तू सत्तू और आकृतियाँ हाँ जी सत्तू और जो मखन नहीं थे मखन वो मिक्स करके लेके फिर बाहर हमने आग जलाते वो आग में लगा के फिर वहाँ हम सुर लगा दें तो मतलब उनको मिल जाते वो जो है ना तो वो भी थोड़ा शान हो जाए ना मतलब बुरी शक्तियों को शांत करने के लिए वो सत्तू का जो है वो आप उसको उनको लगाते हैं वो शांत करते हैं जी तो उसके बाद हमने शुरू करते फिर ऐसे करते करते बीच में हमारे को होते कहीं डराना मतलब बहुत आते तो उसको अगर डर जाएगा तो हमारे को फिर वो आते अगर इसको डर के हम मैं डर लाते फिर आप निकाल जाते मैं तो घर में वैसे इस पर ऐसा होता है ना जी किसी का फिर उसमें हमारा वो होता है प्रचार जैसे होता है ना प्रचार मतलब प्रॉब्लम होती है उसमें हमारे को अच्छा, कहीं कहीं किसी कोई इस बार होना कोई तो ऐसे बीमार होना ऐसे उसमें हो जाता है तो मतलब इसी को नहीं डरने नहीं डरा कि हमने उसको और आगे जाना उसको उसको डर उसको और आगे तब उसको हम वो फल मिल जाए उसको और आगे उसको मतलब उसको हमने काबू करना है उसी को जो जो भी नो जो आते हैं ना जो हम जो तंग करने वाले थे तंग करने वाली पूरी शक्तियां जो आती है उस शक्ति उसको काबू करना हमने उसको काबू कैसे करना हमने उसको ना डर के उसको अपना अपना अंदर का जो अपना शक्ति निकाला आप उसको ना डर के उसको आगे और पूजा करना उसको पूजा में हमारे पूजा करते करते मतलब उसको शांत नहीं करता हमने उसी को शांत करना पर उससे धीरे धीरे उसको शांत मिलता है बिल्कुल फिर उस बिल्कुल रिलैक्स होता है हमारे जी पूरा जो जैसे कि जमीन का देवी देवता हो सब कुछ उनको सूर्य लगा ये सब कुछ सब रिलीज होता चाहिए उस बात हमारे पूजा को डिस्टर्ब नहीं था उसमें पूजा में फिर इसी बात पूजा करते करते हम कहाँ कहीं कहीं हम बड़ा पूजा कर अब बड़े पूजा में आते हैं बड़े में हो जाए तो फिर ज़्यादा कोई तंग करना कोई तो बिल्कुल बिल्कुल खिड़की अगर ऐसे खोले गए तो ऐसे देखा दे कि खिड़की से भी आदमी खड़ा हो गया फिर हाथ ऐसे ऐसे लेने ऐसे भी होता है हमारे नहीं अच्छा ऐसा भी होता है ऐसे बहुत है जी अच्छा उसमें हम उसको भी हम ना डरेंगे ये होता है हम लोग क्योंकि हम लोग को मतलब हमको डिस्टर्ब करने वाला है इसको हम मतलब उसको हमको हमारे को तंग करने वाले कि हम इधम करते इधम के थ्रू बस आप ही खुद है बस बाकी कुछ नहीं बस आप ही हम लोग को जो भी जैसा जैसे अब वो हम लोग कुछ भी करें जैसे जैसा मैं मर जाए कोई चक्कर नहीं बस आप है अब उनके थ्रू हम नहीं जाते हैं उसके थ्रू पूजा करते हैं जी उनकी इधम को हमको सब कुछ मतलब उस चिल्लप जो है ना उनका प्रसाद हमारे को हमारे जैसे पूरा मतलब फूल मिल जाते जी उनको जीना जाप कर हमारा जाप होता है जी उसको जाप करते उसी का सपोर्ट में हम मतलब उसके सपोर्ट में ताकि हम फिर लोगों को मैं सेवा कर सकूँ सेवा करने के लिए लोगों का नहीं तो अब लोगों को कहीं किसी को कहीं भूत प्रेत होना किसी को ये पढ़ना होना किसी को ये पढ़ना तो उसको किसी मतलब इसको शांति करने के लिए किसी हमारा ये सीखे किसी को इसको शांति करने के लिए कौन सा पूजा करने के और इसको हमारा पूजा भी अलग अलग प्रकार का होते हैं तो हमारे तांत्रिक में अलग अलग पूजा करते हैं उसको इसको कैसे शांति करना इसको कैसे शांति इसको वो सब उसको जैसे कि हमारे घर पूछने आते हैं पूछने जैसे कि कोई बीमार वाला हो तो हमारे पास आके पूछने आते फिर हम प्रश्न लगा के देखना पड़ता है फिर उसको कैसे इसको कौन सा पूजा से मतलब शांत हो जाए इसको प्रॉब्लम का निदान हो सके कैसे हो सकते हैं और कोई किसी को तो भूत प्रेत चलते भूत प्रेत हम उस कहीं किसी किसी को हम तो वो भी करते हैं हाथ भी लगाते हैं थप्पड़ भी मारते हैं
क्योंकि कहाँ उसको कैसे उसको कबू कैसे करें, इसको डरा नहीं, या तो ऐसे डरा या कुछ एक पैर से पहले पैर से हम करते हैं पैर से, अब पैर से नहीं मिलते फिर हाथ भी चलाना पड़ता है, चलाना हाथ नहीं तो वो कबू नहीं आता है। तो और वो जो उसको मार रहे होंगे तो वो उस इंसान को नहीं, जो उसके अंदर जो शक्ति घुसी है उसको लगता है, उसको लॉस होता है, उसके लॉस वो भी आपको मिल जाएगा बाद में, सब कुछ मिल जाएगा उस पर। ये है जो हमारे 3 साल 3 दिन जो मेन हमारे तपस्या करना बहुत जरूरी है, जो हम पूजा का स्टार्टिंग करते हैं ना जी, ताकि उस पर लोगों को कर पाए, लोगों नहीं का तो हेल्प कर, हाँ जी, नहीं तो हम वो चलो ये ऐसे करेगा तो हमको फिर हमारे को भी प्रचत प्रचत बोलते हैं जी, हमको भी मतलब ठीक नहीं होता है। अच्छा। आगे जिले फिर आगे नहीं, हमने आगे भी जॉब देना जी, अभी हमारे इसमें जी आगे जैसे कि मरने की बात हमने मतलब जॉब देना है हमको ना। अच्छा, आपको मरने के बाद भी आगे कुछ प्रक्रिया, आगे भी जॉब देना जी, मरने के लिए सिंगे जेल पौधे जी हमारे ना, वो जो क्या बोलते हैं हिंदी में वो बोलते हैं जी यमदूत, नहीं यमदूत, यमदूत उनको भी जॉब देने पड़ते हैं जी, बोले पूछेगा जी, जैसे कि हम लोग अब जैसे मिलू बोलता ना आदमी की जैसे हम लोग आपने क्या कर्म किया बोल के, तो क्या कर्म किया, तो हमने भी फिर आगे भी जॉब देने की कौन सा कर्म किया हमने ये कर्म, कोई बोलेगा अब कोई बोलते पूरे दुनिया में बुरे बुरे कर्म करके जाएगा यमदूत के पहुँच पहुँचेगा, बोले हाँ तू पहुँच गए ठीक है, बोले तूने आज ये हमने जो आदमी का जो जन्म है आपने क्या क्या कर्म क्या कर्म किया, फिर बोलेगा जी मैंने अच्छा कर्म किया सब कुछ बोला, अच्छा अपना बुरा ही नहीं बोलेगा क्योंकि मैंने अच्छा किया जी, अच्छा किया जी, फिर यमदूत बोलते असिंग लेके मिलों बोल के वो शीशे में दिखते सब कंप्यूटर सिस्टम में होता नहीं जी, वो देखते फिर वो देखा आपने इस जन्म में इस टाइम आपने ये गलत किया, इस टाइम आपने ये गलत किया, इस टाइम आपने इतना कर्म किया गलत किया, फिर वो तोलता है जी है ना, तोलेगा अच्छा कितना है बुरा कितना है वो तोलेगा, तो जैसे कि बुरे ज्यादा ऐसे नीचे जाएगा नहीं, फिर बोलेगा आप तो आपको बुरा ज्यादा है आपका, तो मतलब इस बार आपका आदमी के जन्म का आपको लग नहीं है, आप दूसरे फिर कहीं जानवर या कहीं भेजेगा, फिर बोले पूछे जो इस बार मेरे को आदमी का जन्म देते आदमी जन्म से मैं करूँगा, फिर मैं बहुत आगे वो करूँगा, फिर नहीं ऐसे करूँगा, फिर नहीं होते पहले से करना पड़ता है उसके लिए, पहले से मतलब पहले से करना पड़ता है कर्म को ना, आदमी आदमी को फन पहुँच चाहिए, आदमी को किस हिसाब से कोई बीमार वाला हो तो उसको भी जैसे हमारे लम्हा में होता है कहीं, फिर मतलब अलग अलग प्रकार अपना सिंबा होता है जी, अपना मन होता है ना, कोई तो फिर जैन तो में क्या जाना नहीं जाना जैन तो ऐसे भी अपना अपना कर्म अपना उसमें है ना, अपना मन किसी का मन होता है ना, अपना अपना मन होता है, तो हम तो ये सोचते हैं किसी को मतलब खुश करने के लिए इसको किस हिसाब से मतलब विजय उनका आत्म या शांति मिलेगा उनका दिल में कैसे शांति मिलेगा, फिर उसे देखते देखते हम उसको देखते हैं पहले, फिर हमने हम तो जैसे कि धरते एक दो बजे फोन आएगा जी चले जाते क्योंकि हमने अब इसके लिए तो हम बेटा हमने ये पहना कि हमने यही कर्म ये आगे इसलिए किए क्योंकि किसी को मतलब उसको शांति मिलेगी शांति मिले उसके हिसाब से हम एक दो बजे भी हम लोग फोन आया तो हम फट चले जाते जो कहीं किसी को आत्मा गुस्सा है किसी को भूत प्रेत चले तो सीधा चले जाते उनको हमने शांति करने का यही क्योंकि हमारा जो भूत में तो यही होता है जी किसी को मतलब वो करने का किसी को बुरे नहीं किसी को फन दोषी करने बोलता है ना अब उद्धार करना ये है जी हमारे उसमें ना अभी आगे हम यही सोच रहे हैं कि अभी जिन्ना तो हमारे आगे तो यही करते जिसको शांति करने के जिसको खुश होने के लिए किस हिसाब से खुश हो रहे चाहे हमारा तो हमारे उसमें तो ये है कि जैसे हमारे बुद्ध धर्म है ना जी बुद्ध धर्म में जाते फिर हम हिंदू धर्म में भी पूजा करने जाते हैं हमने ना अच्छा कहीं जाते हैं हम लोग है ना जैसे अब ये मंडी वगैरह में कहीं चले जाते हैं है ना फिर यहाँ से उत्तराखंड उत्तरकाशी वगैरह से लेकर मतलब पूरा आपको हिंदू धर्म में भी जैसे भूत प्रेत फंस जाए हाँ जी वो भी आप उनको निकाल देते उनको निकाल दे हमने हमने जिन्हें होता हम उसको हम पहले बोलते हैं हमने जब बोला अपना जैसे धर्म उस हिसाब से अपने पंडितों से करो ठीक है बोले तो करेगा पंडितों से करेगा तो फिर बोलेगा लम्हा जी मैंने तभी हमारे से नहीं हो पा रहे फिर अच्छा ऐसा हो तो मैं आ जाऊँगा फिर हम चले जाते जी जब लास्ट कोई ऑफिस कोई चारा ना रहे तो फिर हम जाते जी ना जाके फिर करते हैं हमारे तो सब एक ही है हम हमारे उसमें वो है सब एक ही सोच के हम सबको पूछा चाहते उसको फिर वो उसके दिल में होता है कि ये गुरु जी मेरे पास आएगा तो मैं बस मैं खुश हूँ ये सेम उसके दिल में यही है सोच के तो एक बार हम चले जाएगा तो बिल्कुल उनको मतलब उसका हो जाता है मतलब हो जाता है ठीक है शांति हो जाती है
उसको शांति हो जाती, क्योंकि अंदर उसका तत्पर जज्बा है ना, जो उसको विश्वास है कि ये गुरु जी आएगा तो मेरे को बस मैं ठीक हो जाएगा, एक विश्वास है, विश्वास वो विश्वास को हम बिल्कुल ठीक चले जाते, हम चले भी जाते हैं, उसको करते भी जरूर करते हैं ना। गुरु जी जैसे हम मोनेस्ट्री में देखते हैं ना, लामा जैसे सिर को शेव कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, और आपने बाल भी रखे, दाढ़ी भी रखी है, तो ऐसा इसमें क्या डिफरेंस है, मतलब उनमें और आप में क्या डिफरेंस है? उसमें जो बाल बाल करते हैं ना, उन लोग थोड़ा सा वो जीवा बोलते हैं ना, एक जीवा एक टापू बोलते हैं ना, जीवा और टापू। हाँ, एक जीवा बोल बिल्कुल शांति शांति सा, शांति बिल्कुल शांति से भी हमारे बिल्कुल उसमें मिलता है ना, ग्रुप में रहना। हाँ जी, उसमें बैठना है, क्योंकि हमारे में हम है जी, उसमें गुरु है जो ग्रुप में संभव है, ग्रुप में संभव उसमें है ना, तो हम लोग फिर नागपा बोलते हैं, नागपा नागछांग बोलते हैं हम लोगों ना, नागछांग जीपा नागपा लोग फिर हम पूरा वो हम लोग को रखना पड़ते हैं, जो टप टप जो पूजा होता है ना वो भी हम लोग करना पड़ता है, टप टप ना जो शान वाली पूजा जो है ना उन लोग करते थे ना, हमारा तो फिर वो टप वाली पूजा तो हमारे को मिल जाते हैं, हमारे को करना पड़ता है, इसीलिए हम तो उसमें टापो में टापो बोलते हैं ना, बिल्कुल ही है ना, बिल्कुल ना डरे हुए बिल्कुल नहीं होते, ऐसे बिल्कुल इससे बैठना पड़ता है, क्योंकि जैसे ये वो बूथ वाला भी ऐसे बैठे, हम भी ऐसे बिल्कुल दोनों आपस में बस बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार कर उसी में बैठना पड़ता है, शांति शांति में तो नहीं होता है वो जो पूजा है ना जी, शांति में नहीं होता, उसीलिए हम लोग नाचांग बोलते हैं ना जी, वो हम हमारे को उसमें भी इजी जो बाल में भी वंग वो जो करते पूजा करते उसका भी मतलब ना करने के लिए पूजा होती है उसमें, नहीं करता था उसके लिए पूजा, फिर अपना गुरु को पूछ के करना पड़े जब कटे है ना। ये जी गुरु जी, मैंने ना एक वीडियो देखी थी, आई थिंक तिब्बत की है वो, उसमें एक छोटा सा लामा होता है, बच्चा होता है, और उस एरिया में ना एक आ जाता है लेपर्ड, लेपर्ड उसकी भेड़ को खा लेता है, और जो लामा की ड्रेस में होता है बच्चा, वो सिर्फ उसके ऊपर हाथ रख रहा होता है ऐसा, और जो लेपर्ड है वो उसमें मंत्र मुग्ध हो जाता है उसके उसमें ही। तो वो शायद वीडियो है अभी किसी के पास, तो मैं गुरुजी को दिखा सकता हूँ। तो मतलब मैंने हम वीडियो में ये देखा कि एक छोटा सा बच्चा जो कि लामा की ड्रेस में है, जिसने कि एक लेपर्ड को अपने वश में कर लिया था, और पूरा जैसे कुत्ते नहीं होते, कुत्ते उसकी तरह खेल रहा था उससे, खेल रहा था। तो गुरुजी मैं चाहता हूँ वो एक चमत्कार था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे हो सकता है? वो कर्म बोलते हैं जी, पुराने जन्म का एक कर्म होता है जी, पुराने जन्म, जैसे कि अब यहाँ पे आ गए तो वो भी एक कर्म है जी, हमारा पुराना जन्म का कुछ होगा, कुछ रिश्ता हो जैसा हुआ ना कर्म में ना जी, इस तरह अपना जैसे कि हम तो जिन्ना हो सके, जैसे कि बाहर जो जानवर नहीं थे, कुत्ता हो गए वो जो पालतू बाहर जिन्ना भी कौन है उसका उसके एक, अब यहाँ पे हम हमारे पास जब आएगा तो हम खाने देते हैं ना, वो एक क्रम है, क्या पता है पुराने पुराने जन्म का हमारा जो मम्मी पापा हो सकता है बोल के एक क्रम होता है उसका ना, पुराने जन्म में जो पुराने जन्म में क्या पता वो हमारे कुछ हो सकता है, या हमारे ये भाई बहन या मम्मी पापा कुछ हो सकता है, तभी तो हमारे सामने घूम रहे। अभी जो लम्मा जी ने वो कहते कुछ नहीं हरकत करते, वो एक क्रम है, क्या पिछले जन्म में उसका मम्मी हो सकता है, पापा हो सकता है, तो ये है जी, लेकिन उनको पता लग गया होगा ना उनको, हाँ ये पता लगता है ना जी, तभी नहीं उसको हरकत नहीं करते जी, नहीं तो हरकत करेगा। हाँ। ये जी फिर एक हमारा उसमें ये हमारे लामा लोग में क्या होता है कि एक क्षेत्र बोलते हैं, क्षेत्र करते हैं हम लोग, क्षेत्र बोले तो मतलब उसको वो देते हैं, जैसे कोई बकर करते ना करते ना, हम उसको नहीं करने देते उसको, फिर वो बोलने हमारे जिंदा हो किसी को बीमार हो उसको बोलगा आप बकर लेके आपने उसको बिल्कुल छोड़ देना, मतलब उसको जैसे जैसे बकर करने वाले बलि के तौर पर बलि करने की बजाय आप उसको छोड़ देना, छोड़ देना उसको, उसको पूजा करके मतलब उसको लह के लिए उसको छोड़ देना, उसको जंगल में जंगल छोड़ देना, मतलब उसको मुक्त कर देना जिंदगी है ना, और उसको रिजल्ट उतना ही है जितना जो बलि करके मिलना था वो भी उतना ही मिलना था, और जब आपने वैसे छोड़ दिया तो भी उतना ही मिला, तो जान बच गई उसकी। हाँ जी, अब बलि में तो उसको मरना ही पड़ता है ना, मतलब वैसे तो एक तो तरफ से हम तो पाप मानता हूँ जी, क्योंकि बलि में ना वो करना ही पड़ता है ना, बिल्कुल तो एक पाप है, हम तो उसको बस जैसे हमारे तरफ से उसको पैसा देना उनको, जिन्हें इसको जैसे बकरी को आप 5-6 हज़ार जिन्हें बोलेगा हमने पैसा देना उसको, इसको पैसा दे के मतलब उससे खरीद किए, फिर हम पूजा करना है, पूजा करके उसको मैंने मतलब कहीं छोड़ देना उसको ना, मतलब उसको मतलब उसकी जिंदगी थोड़ा सा उसको मूड बने को खुश हो जाए पीछे ना, वो ये हमारे उसमें यही ज्यादातर वही करते हैं ना, सेतर बोले उसके नाम सेतर बोलते हैं हम लोग ना, सेतर बोलते हैं इसको, और हम शायद हमारी लैंग्वेज इसको बलि छलीट ऐसी कुछ लैंग्वेज में हम लोग ये बोलते हैं। गुरु जी मैं चाहता हूँ जैसे आपके साधना के दौरान या वैसे भी कभी आपके जैसे डायन गई लाइट, मैंने जैसे डायन का नाम लिया ना लाइट चली गई, तो गुरु जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि कभी आपका पाला डायन चुड़ैल या भूत पिशाच ऐसी किसी एंटिटी से पड़ा है, या इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं? अब इस जी
उसी जैसे डिजाइन होता है ना जी, हम लोगों को ज़्यादातर नहीं देखता वो जो चुरी लो जीरा कम शम देता है जी, हमारे साथ तो फिर हमारे साथ वो ज़्यादा संपर्क मिलते क्योंकि हम लोग उसी को तो तंग करने वाला हम है जिसको कबू करने वाला। अच्छा, मतलब हम मतलब आपके संपर्क में डायन ज़्यादा रहती है क्योंकि आप ही उनको वश में करके आगे करते हो। जी जी, फिर जैसे कि ऐसे होते हमारे वो तोंगपा भी बोलता है ना, एक हवा की तरह वो है ना, हमारे को पूरा फूल दिखाई नहीं देगा, हवा की तरह वो है ना जी, जैसे हवा नहीं चलती जी, वो चीज़ हवा की तरह तोंगपा जी बोलता हम लोग उसको ना तोंगपा जी, पर वो जैसे डायन मिलेगा तो पर हमको नहीं छू पाएगा वो है ना जी, जैसे ऐसे छू नहीं पाएगा बिल्कुल है ना। अब लोग डरते हैं जी, ढाई ना रहे ढाई ना इसमें तंग करे, उनके तोंगपा नहीं बोलते, एक हवा की तरह वो उनका जो आत्मा जी से वो आत्मा निकल जाता है जी, आत्मा निकलते ये डैन जी। एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ जी, हो चुका प्लीज, तो मैं एक बार वो स्कूटर था ना, स्कूटर ले गया था, हाँ जी, तो रात ये मामला था, रात की टाइम था, तो थोड़ा सिम्बो में हमारे दिल में ऐसा आया कि आज बहुत टाइम बे टाइम हो गया, अब कुछ में कुछ मिलेगा तो नहीं, मतलब मन में ये थे, तो वही ऐसे में तो शादी भी नहीं मिल, आगे थोड़ा कम कम 10 किलोमीटर जाके तो मिल गया, वो मिल गया, साथी मिल गया या डायन नहीं, डायन मिल गया। अच्छा, बिल्कुल सफेद सफेद कपड़ा पहना था, सफेद कपड़ा। अच्छा, पूरा ह्यूमन शेप में दिखा आपको, सभी कपड़े पहने थे, फिर वो बिल्कुल वो पायल आपका जी, पायल नहीं था जी, पायल लगा ये पर चूड़ी वूड़ी नहीं थे वो लगा, बिल्कुल था जी, अब वो पीछे मुड़ी था, पीछे मुड़ी था, बिल्कुल बाल था, बिल्कुल सुंदर बाल जो लड़की नहीं थे जिस तरह। अब मेरे मन में था कि मेरे को साथी नहीं है, अब मैंने वहाँ से एक आदमी है कुछ सफ़ेद कलर का, मैं सो कोई आदमी है, चलो अब मेरे को कोई शादी थे वहाँ से एक आदमी, तो वो आदमी हाथ खड़ा किया जी, हाथ खड़ा किया, तो मैंने बोला कहाँ जाने बोला, तो वे तो हमारा जैसे हमारा ये गाँव है ना जी, वो गाँव दिखा था हमने यहाँ जाने। अच्छा, इशारा किया, तो मैंने बिस्टू बोला अब बैठाया जी, बैठे तो अब बैठा के लाए, तो पीछे तो लोड तो है, लोड तो है यही, अब आगे आगे जाके कुछ 1-2 किलोमीटर आगे, तो वो आदमी तो बात एक भी नहीं करे। अच्छा, बात बिल्कुल नहीं करे। तो मैंने तो गाइस मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होगी, जैसे कोई माला ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बुरी नज़र से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन किसी चीज़ को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए, बिना एनर्जाइज किए, वो मात्र एक शोपीस है और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नज़र, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नज़र सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे, और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइज अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहाँ पर आप प्रोडक्ट चूज़ कर लीजिए और अच्छा लगे तो ज़रूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ। उसमें सोचे एक बात भी नहीं करी आदमी, फिर मैं पीछे मुड़ के देख लीजिए, पीछे मुड़ के तो कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं था, नहीं तो लोड तो वही था। हाँ, अब बिल्कुल थोड़ा सा चढ़ाई इन्ना भी नहीं था, थोड़ा सा इन्ना से चढ़ाई था वो भी, अब तो उसको ट्रक का तो एक हमारा गियर होता है ना, एक नंबर का गियर लगा के भी अब वो तो चढ़ नहीं रहा है, वो पीछे खींच रहे, पीछे खींच रहे। फिर मेरे को पता लगे, फिर उसमें डर तो नहीं, मैं सीधा आगे अपना जो नीचे उतरे, फिर अपने पूजा में भोगा थी, हमने जो सरसों को हम वो बना के रखा, थून बोलते हैं ना जी, वो जो हम वो पहले हमने जो हमारा जो उसमें हम बना के रहता है हमारे पहले है ना मंत्र करके, फिर उसके थ्रू हमने बेटा फिर मैं अपना वो जो अपने ईदम की शक्ति में मैंने फेंका वो अपना जो ईदम का जो वो जब है ना वो जब पढ़ते पढ़ते मैंने फेंक दिया, तो फिर उसे बिल्कुल शांत हो गया जी, उसके बाद शांत हो गया। तो तब उसके बाद मैंने भी बोला, मैंने पहले तो लोग बोलते विश्वास नहीं करता है, उसके बाद हमारा तो उसके बाद मेरे साथ तो ऐसे लगने लगा कभी टाइम से। अभी बेचारा अभी अभी देख रहा हूँ को तो डायन लोग बहुत डरते हैं मेरे से, आपसे बहुत डरते हैं जी। क्या अभी अभी कैसे पता लगे चाहते हैं, जैसे कि एक दिन मैं चाहिए यहाँ से रांगड़ी बोला, यहाँ से वहाँ पूजा करने गया जी, रांगड़ी से अब शाम को वापस आया, शाम को वापस आए तो ये काजा का नाले में उसमें यहाँ घर नहीं था, पार था, हम पार पे किराए में बैठता था जी जी। तो वहाँ नाले में था कोई आग चीज़ है, ढैंग का जो आग कहते हैं जी, एक आग था
मैं वो दे वहाँ नाले में चला गया ना, मैं अब बाहर गया नाले में जाके, फिर मैंने घर जाना था। नाले में जाइए तो एक आग बेटा सामने एक आग था, आग था। हाँ जी, वो आग को जो वो ढाइन का आग बोला हम लोग ना, ढाइन का आग बोलते उसको। वो आग को एक आग को मैं देख ले तो दो आग तीन आग ऐसा हो गया, अब चार ऐसे आग हो गया, वो फैल गया फैल गया। फिर मैं सीधे उठ के तुम लोग शर्म धर्म में उठ के मैंने अपने उसमें यहाँ आ जाओ दमे तो यहाँ आ जाओ मौसम में ऐसा बोला ना, मैं इसे उठा था बेचारा वो इन्हें दौड़ के पार किया। तो मेरे दिल में ऐसे किया डैन लो इन्हें डरता है डरने दो। हाँ। तो मैंने पार किया तो वहाँ वहाँ बैठा, तो उसके साथ साथ अब तीन चार तो पूरा खत्म हो गया। एक एक बैठा बिल्कुल बैठा, एक बैठा तो बिल्कुल ही था। अब वो है जी जो डैन मेन तो डैन है उसको जो हमको अटैक करने वाला जो है ना जो एक वो हमारे उसमें यहाँ पे ग्यालबो चांद बोले एक देवता था जी, अब यहाँ घूमता है वो लोग है ना, वो घूमता वो है जो बोलते हैं तो उसका उसका आत्मा है ना, जैसे हमारे आदमी की तरह वो जाएगा। जैसे आज मैंने इस घर में जाना है तो उसका मतलब उसका वो जो आत्मा है ना, मैंने इस घर में जाना है तो वो जाएगा। तो वो जो अटैक करेगा मैंने हमको तंग करेगा, वो पीछे से एक एक देवता आता है ना वो तंग करते हैं। अच्छा। वो मैन तो मतलब मैंने जहन तो ख़त्म हो गया, तो एक आग बिल्कुल गया नहीं, वो बिल्कुल बैठा हुआ वो भी अड़के। फिर मैं काफ़ी बैठा था, मैं अब मैं सोचूँ मैं चले जाए आप घर में जाएंगे तो जाएगा तो मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं चले जाएंगे ना, तो मैं सो कोई आएगा तो किसको तंग करेगा, बीमार हो जाए प्रॉब्लम हो जाएगी जी, कोई कोई ख़त्म भी हो जाए तो उसको तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सोच के मैंने बोला आप मैं इस गांव में आए आप इसीलिए बैठा, तो मैंने बोला मैं इसको ख़त्म कर दिया, मैं यहीं इसी टाइम ख़त्म करूँगा इसको, मैं ख़त्म कर दिया तब जाऊँगा मैं ताकि लोगों को तंग नहीं हो जाए। फिर मैं ऐसे बैठा, फिर एक बार वैसे बैठे बैठे फिर वो बैठा, फिर मैं नीचे तक चले गया कहीं और नीचे तक कहीं ऐसा नहीं है कोई साथी, फिर नीचे गया तो कुछ भी नहीं, फिर वापस आया फिर आगे फिर भी बैठा वो वहीं। फिर मैंने बोला फिर एक बंदा आ रहा था हमारा यहाँ स्पीति का, एक बंदा आ रहा था यहाँ वो रात के 12 बजे के करीब था, तो यहाँ एक दारू बोतल ले गया वो ठुस हो गया बैठा था, वो आ रहा था तो उसने भी देख लिया, मैं वहाँ गया तो उसने आग देख लिया, तो वो तो डर गया जल्दी से जाके अपना घर में सीधा चला गया, लाइट लाइट ऑफ कर दिया सीधा छुप गया। फिर मैंने वहाँ फिर वो नहीं जिया तो फिर अपना जो फिर अपना वो जो थून होता ना वो लगा के अपना इधम को नम लेके फिर मैंने वहाँ फेंका पूरा फेंक दिया। फिर मैं आगे बढ़ा जो नाला से आगे आगे बढ़ते गया मैंने किए थे, उसके बाद ख़त्म हो गया वो पूरा ख़त्म हो गया, उसके बाद गायब हो गया बिल्कुल। फिर उसके बाद गायब हो गया फिर मैं चला गया घर। वो दूसरे दिन फिर वो जो बंदा आया मुझे लामा जी क्या था कल, तो वहाँ से कुछ आग जैसा था क्या था लामा जी, मैं तो बहुत डर गया मैंने यहाँ से। फिर मैंने बोला नहीं कुछ नहीं ये डैन है, डैन है डैन इस तरफ का आया था डैन जी ना, किसी का आत्मा आता है जो है ना, जैसे सब वैसे डैन सबको आता है, जैसे हम सब इन एक जो है ना ये थेपो गाँव होता है ना ये तो सबको आता है, मतलब इसको अपना जो सिंबल होता है उसको कंट्रोल करने का, जैसे कि कंट्रोल नहीं होता किसी को, जैसे हमारा डैन आपका कहने का डैन सबके पास सबके होते हैं पर उसको कंट्रोल नहीं होता है, किसी को कंट्रोल नहीं होता है, मतलब उसे मतलब जलन से कंट्रोल नहीं होता किसी को, मतलब इसके पास ये है वो या इसके कहीं फलन जी ये है वो किसी के पास ये होते उसको कंट्रोल नहीं होता है, कंट्रोल उससे होते जो डैन है ना जी कंट्रोल, फिर ये आते फिर जलन से भी आते। मैंने आजकल ज़्यादातर देख रहे हैं तो ये तो पहले तो बोलते हैं मम्मी को है तो उसके लड़की को, इसके लड़की को तो उसके लड़की को, ऐसे चलते खानदान में खानदान में चलता है डायनो का। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल ऐसा है कि बिल्कुल ये जलन जैसा है आजकल सब अपने उसमें लगा ना, जलन की वजह से हाँ इस चीज़ को उसमें जा रहा है उसमें जा रहा है ऐसा। अच्छा और वो उसका नेगेटिव करने लगेगा आजकल इसमें आते जी। अच्छा ये तो फिर बहुत ही बड़ी बात कही है आपने। हाँ जी मतलब मन के सोचने से ही वो चीजें हो जाती है। हाँ ये होते हैं इससे होते हैं आजकल इसी वजह से होता है जी, मैंने काफी टाइम से देख रहा हूँ कि किसी को फिर किसी को तो बिल्कुल वो चढ़ जाता है वो है ना जी, वो जो डैन का आत्मा है ना चढ़ जाता है किसी को, तो मतलब वो चढ़ जाते हैं तो फिर हम उसको शांति करी भी शांति करने के लिए फिर हमारे बुलाता है, फिर हम जाते हैं फिर हम पहले हमारे कोई कोई जैसे मैं जाएगा तो वो तो खत्म हो जाए भाग जाते वो डरते डरते आपसे तो डरते डरते भाग जाते, तो कोई कोई बहुत स्ट्रॉन्ग होता है स्ट्रॉन्ग भी होता है ना कोई कोई, जैसे हमारे लामा में कोई तो बिल्कुल शांति पे कोई बिल्कुल उसमें तो स्ट्रॉन्ग कोई बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कोई होता है ना जी इस तरह होता है, तो हमारा भी उसमें तो मैं जैसे कहीं तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो वहाँ अट के बैठते वो भी बात भी करते वो बात करते हाँ जी मैं आवाज़ सुनाई देती है हाँ हाँ बात करते वो। फिर मैंने बजाया था कोई कहीं थपर बजे कहीं वो तंग करे उसको, फिर मैं पकड़ता हूँ फिर पकड़ के बोलते तू क्यों आई क्यों तंग आई क्यों तंग आई तू क्यों
तू तेरे को क्या चाहिए मेरे को बोल। फिर मैं बोल इनको परिवार को बोलूंगा इसको ये चाहिए बोले आप दे दो इसको, दे दो इसको खुश कर दी छोड़ दो इनको। फिर ऐसे बोल हम लोग कर दे दो तो फिर मैं वो बोलता है इनके पास ये है वो है इनके पास। फिर बोल कभी रास्ते में ये जेल है बहुत वो कर दिया आपने घुमाने से जगह मेरे को बात भी नहीं करते कोई ऐसे बोलते चढ़ के ऐसे बोलते। फिर हम वो फिर हम बोलते इसको ठीक करने के लिए हम ऐसे पूजा करके तेरे को मैं ऐसे करूँगा ये करूँगा ढंग से बैठो ऐसे तंग करके करते उसको करके करते हम कबूल करता हूँ उसको कबूल करते उसे। फिर शांति से उसको छोड़ देते शांति से अच्छा छोड़ देते मैं वो होता है उसकी मीटिंग करके उसने जहाँ आज हमने कहाँ जाना है उस पहले भी अच्छा, सारी डायने आपस में मिलकर एक मीटिंग करती मीटिंग है कि अब हमें किसके घर जाना है ऐसा आज किसके किसके भारी उन लोग भारी लगा भारी है भारी लगा था उन लोग आदमी को खाने के लिए आदमी को खाने हाँ आदमी मर जाता है उस आदमी एक्सपर जाता है ना आदमी भारी होते फिर आज वो हमारा ये जैसे उन लोग मीटिंग करते मीटिंग करते बाद फिर बोलते आज हमने इस घर में जाना है अब 13 बजे तू जाना सबसे पहले 13 बजे तू जाके मम्मी को लेके आता है। फिर लेने मान लेके आओ जाके मतलब एक बहाना है वो जाके ड्रेन आ गया घर में आए घर में आए तो परिवार में तंग करे परिवार लोग एक दूसरे को मतलब लड़ने मतलब उसे अंदर हो जाते वो जाके बिल्कुल लड़े जगह करते लड़े जगह जैसे करते करते फिर एक दो बिल्कुल गुस्सा से फिर बाहर चले जाते ना फिर खतरे होते इसीलिए बाहर जाते। अब ये उस टाइम ये सोचना चाहिए यहाँ जैन आज मेरे को तंग करे एक जैसे हम दोनों आपस भाई वजह मैं भी वो हो ना अब लड़ते जो लड़ते लड़ते बीच में ऐसा सुनते अब ज्यादा होते इसमें हमारे माइंड में ये होना चाहिए ये तो जैन लड़ रहा है हम लोगों ये बिल्कुल छोटा सा बातें में बात ऐसे फैल जाता है लोगों का तो वो डायन है वो ये सोच अपना सोचना चाहिए ये डायन है सोचिए ये बात वो फिर ये डायन जाए तंग करे मैं शांति बैठ जाऊँगा ये आप जो भी बोलने दो चलो मैं बिल्कुल चुप कर मैं शांत जाऊँगा मैं जिन्हें मैंने बोलने बोलने बोलती भेगा तो अपने आप शांत दोनों अपने शांत होते तभी डायन भी आपको अटैक नहीं कर पाए मतलब ये हमारे पास इग्नोर कर रहा है हमें ध्यान नहीं दे रहा नहीं दे रहे फिर वो चले जाते फिर और कहीं वो अटैक करते डायन को वही वही एक मतलब कहीं कभी कभी वो डायन आके हमारे को अटैक करने नहीं देते उनको पता लगता है ये डायन है हमको अटैक करे सोच के हम शांत बैठे ना जी। फिर हमें कभी घर में जब खाना बनेगा तो हमारा तड़का लगाए तो कभी कभी ऐसा होता है हमारा प्याज पूरा काला हो जाता है आपने देखा हो आपने कभी कभी वो डायन वहीं घुस देता है वहाँ घुसी बस प्याज को हाँ खाने में घुसे प्याज को काला करेगा आप क्योंकि उसे चेहरा नहीं ना आदमी को तो कुछ नहीं कर पाए अब मैं यहाँ घुस के बस इसको कुछ तो नुकसान कर जाऊँगा ऐसा ऐसे मतलब मिसाल के तौर पर ऐसा ही है आपको ना एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको क्योंकि प्याज का भी प्याज बिल्कुल काला नहीं होता तड़का लगा देगा हमारा है ना इस तरह मतलब ऐसा वो घुस के ऐसा वो करने देते फिर चले जाते वो क्योंकि उसको अटैक नहीं करने के लिए कोई हम लोग मजबूर नहीं करते वो भी एक ऐसे होते डायन फिर हम मतलब ये एक दूसरे को ये सोचना चाहिए हाँ ये डायन है तो हम लोग वो तंग करे बस मैं थोड़ा शांत बैठे ये अब इसमें तो हमारे वो तंग करते वो जान जान बुझ के लड़ने देते वो तो लड़ने देते उस जान बुझ के मैं बैठते रहो एक शांत हो जाए तो मतलब अपने आप ठीक हो जाए वो अटैक नहीं कर पाते अटैक नहीं कर पाते हाँ जी यही डैन नहीं तो पहले पहले डैन का मीटिंग होते फिर हमने इसीलिए हमारे अब एक हमने धागा बना गया हमने ना सोवा बन एक सोवा बनता उसमें हमने नऊ कर देते हैं ना प्लीज दिखाओ दिखाओ ये हम लोगों को आज के दिन में हमने डायन का जो है ना वो ये बना गया हम डायन के हमने ये काला कपड़े से ये बना के रखा है ठीक है ना अच्छा इसमें हमने नौ गाँट रखा है 1 2 3 4 5 7 8 9 नौ गाँट गाँट ये गाँट है जी बिल्कुल पहले पहले बहुत बड़ा बड़ा गुरु का एक बड़ा गुरु का एक गाँट एक गुरु का एक गाँट ऐसे बड़ा बड़ा गुरु का गाँट लगा दिया फिर वो जो डायन अटैक है ना उसे वहाँ ऐसे गाँट लगा दिया तो फिर वो आज डैन आ गया अब बिल्कुल इसको करने की कोशिश कर अटैक करने की तो अटैक कर नहीं पाए क्योंकि बिल्कुल उसने ये लगा के बैठा नहीं वो बड़े बड़े गुरु का जो है मिसाल इसलिए हमने ये इसमें जप करके जो नऊ गढ़ है ना इसको हमने बना के रखा है डैन के लिए डैन के लिए ताकि वो अटैक नहीं कर पाए जैसे आपको आप मिले तंग करेगा तो आपको अटैक नहीं कर पाते कि इसे ये जो गढ़ नऊ गढ़ लगा है ना जो हमने ना नऊ गढ़ मतलब जिस पर गुदुत होता है हमारे बोली में गुदुत बोलते हैं ना जो गुदुत बोलते हैं दीपक गुदुत का सुहा चाहिए बोलते हैं अब आजकल लोग ऐसे मांगते हैं हमारे को मेरे को हमारे को दीपक गुदुत का एक सुहा दे तो बोलते हैं लोग मांगते हैं क्योंकि उनको पता है कि डायन वाले मेरे को एक सुहा चाहिए बोल के ये चीज़ ऐसे जम करके रखा क्योंकि आपने सर जप करके रखे हमने जप करके ऐसे रखा लोगों कहीं किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होता हम देते थे उसको ना ऐसे देते थे जी और गुरु जी आपके पास जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपका रुद्राक्ष की मालाएँ भी है हाँ जी है ना इनके हाँ। इनका क्या रहस्य है ये बुद्धि बोलते हैं ना बुद्धि है ना ये जी नेपाल में होता है एक नेपाल में एक वहाँ पैदा होता है
ज़्यादा होते हैं नेपाल वहाँ से, थे थोड़ा महंगा थे वो ना जी, महंगा तो इसमें क्या होता है, ये हमारे तो अलग अलग प्रकार का होते हैं माला, तो अलग प्रकार के, एक तो शीशा का भी होता है कहीं किसी को, जो बहुत अलग प्रकार का माला, इसमें ये इसमें जो भी मंदिर करना ना मतलब कर सकते, इसमें जो भी मंदिर मतलब पूरे कर सकते, इसमें कर सकते जो भी मंदिर है ना, हमारा ओम मणिपन में सबसे जीवा वाला है, वहाँ से लेकर पूरा जो बंजा गुरु से लेकर जो भी हो मतलब इसमें कर सकता है। इसमें 108 वाले और ये रुद्राक्ष रुद्रस में इस नहीं करते, इसमें टापू वाला जो है ना जो हमारे जो ईदम का जो जप करते हैं ना वो कर सकते, बाकी जो टापू वाला ये यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये यूज़ नहीं करते हम लोग ना जी, हम जो टापू को जो पूजा करते हैं उस दिन फिर हम इसको ये छानदून ले जाना पड़ता है, फिर जो टापू को पूजा करते हैं ये हम इसका जप करते हैं ना, जो आज हो रहा है हमारे टापू को पूजा हो रहा है ना जी, वहाँ फिर जो स्ट्रॉन्ग सबसे सबसे स्ट्रॉन्ग पूजा होती है उसी उसी के लिए, बाकी इसके लिए हमारा वो तपस्या करते, जब हम तपस्या करते तो ये दोनों का तप उसमें जप करते हैं जी, इसमें ये दोनों हमेशा लेते साथ में, इसमें शक्तियाँ स्टोर होती हैं, स्टोर होती है, जो डैन डैन किसी को जो आत्मा चढ़ता है इसी से हम लोग इसी से मरते हैं उसको ना, चाबुक इससे मर जाता है, मतलब इसी से ख़त्म करते हैं सपोर्ट के लिए जी। और गुरु जी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि तंत्र के नाम से लोग काफ़ी घबराते हैं और लोगों को ज्ञान नहीं कि तंत्र क्या होता है, हाँ। तो आप अपने शब्दों में बता दीजिए लोगों को कि तंत्र क्या है। ये तंत्र में ये जी हमारे तो बिल्कुल एक शांति के लिए बोला हम तो ना लोगों को कि जैसे कि कहीं किसी को क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि कुछ उसको शांति करने के लिए ना जो तांत्रिक जो पूजा बोलते हैं तांत्रिक लामा बोलते हैं ना, तांत्रिक लामा ये नहीं कि बिल्कुल अब आजकल कोई कोई मैंने ये देख रहा कि एक दिन मेरे पास आया जी एक कोई नीचे का लीवर था, एक लीवर आया मेरे पास बोला प्रश्न लगाने बोला ठीक है प्रश्न लगा दूंगा बोला मैं, अब किसी क्या क्या प्रॉब्लम आज मेरे घर में क्या प्रॉब्लम हो रहा है बोला मैंने, तो मेरे घर में प्रॉब्लम नहीं हो रहा मेरे को एक तांत्रिक सीखना चाहते हैं बोला ठीक है तांत्रिक से हाँ तांत्रिक मतलब सीखना चाहते हैं सीखने था ठीक है ठीक है, उसके लिए तो बहुत टाइम लगा आप एकदम नहीं सीख पाएगा उसके लिए, तो पहले तो अपना हमारे जो मेरे हिसाब से सीखे तो हमारे बुद्धिस्ट के अंदर आना पड़ेगा आपको, फिर हम ये पूजा शुरू करेगा फिर आगे में फिर आपको एक सीखने का कम से कम आपको 10-15 साल तो लग जाएगा बोले 10-15 साल, तो बोले नहीं बोला मेरे को और कुछ सीखना बोला हाँ, तो अब और क्या सीखना बोला मैंने को तांत्रिक सीखना बोला, तांत्रिक में ऐसे नहीं होता है हमारा तो बिल्कुल पहले पूजा के लोगों का पहले बोलते कौन सा तांत्रिक सीखना बोला, फिर बोला मैंने और एक तांत्रिक सीखना और कौन सा मेरे को पता नहीं बोला तांत्रिक कौन सीखना है हमारा तो ध्यान में ये है पहले पूजा इन्हें आगे करते 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 लोगों को फिर कुछ प्रॉब्लम होती है लोगों को उसको सोल्व करने के लिए तांत्रिक बोले मेन नहीं मैंने और कुछ सीखना है बोला और कुछ कौन सा सीखना है बोले मेरे को पता नहीं बोले कुछ मीठी मीठी ऐसे बोले मीठी मीठी कौन मेरे को पता नहीं है फिर ऐसे क्या होता है मेरे को पता नहीं ऐसे ऐसे हमारे जी नीचे होते हैं ना ऐसे कुछ ऐसे तांत्रिक सीखना तो मैं हमारे उसमें तो ये नहीं लिखा है कि तो अब ना अगर आपने प्रश्न लगाने तो फिर प्रश्न लगाने पूछना कुछ पूछना तो मेरा पूछ सकते हैं फिर ऐसे सीखने होते मेरे को मैं खुद को नहीं है मेरे पास ऐसे सीखने के लिए ज्ञान नहीं है इसी बारे में फिर अगर कुछ प्रॉब्लम है घर में कुछ प्रॉब्लम है आगे कुछ मेरे कुछ जैसे कि मैं जितना भी काम करते इस काम में कुछ कुछ वो नहीं हो रहा है मतलब किस हिसाब से क्या प्रॉब्लम मेरे को तो वो मैं देख सकता हूँ तो मैं इसको आपको इलाज कर हाँ इसको ये करो बोले ऐसे होता है हमारे उस तंत्र में ये है कि किसी को कुछ ज़्यादा कुछ क्या हो रहा है किसी को जैसे भूत प्रेत मेरे तो उसमें तो धान मारे होते हैं भूत प्रेत ज़्यादा चलता है उसी को शांति करने के लिए मतलब उसको शांति करने के लिए हमारे तंत्र उसको मैं बोलता हूँ कि इसको इनको शांति करना फिर इसको काबू कर हमें कंट्रोल करना अपने एकदम के थ्रू कंट्रोल करना फिर उसको मतलब शांति करके मतलब लोगों को मतलब खुश करने के लिए खुश लोगों को शांत करने के लिए बिल्कुल ही मतलब जो भी यहाँ भी हमारे भूत जो भी उसको बिल्कुल शांति से शांति करने के लिए फिर शांति करने के लिए हम तो सुर बोलते हैं इसको बाहर हमने शत्रु बनाया कि फिर उसको मार लगा के यहाँ देता है वो कोई उसी को पैसा सूंघ के भी मतलब हमारे को कहीं घर में अटक करेगा सोचेगा वो आएगा वो तो उसी को सूंघ के मतलब उसको फूल हो जाए पेट फूल हो जाए वहीं से बाहर से वो चल जाता है उसको बाहर से भोग लग भूख को बुझ जाते उसको ना वो भूख बस भोग गिर के फिर वो चल जाता अपने आप उसी बोलता शांति शांति बोल पूजा है ना इस बोलता हमारे तंत्र गुरु जी जैसे आपने कहा था ना कि 3 साल 3 महीना और 3 दिन की आपकी एक अघोर साधना होती है जिसमें कि बड़े सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है आप किसी से मिलजुल नहीं सकते हैं अकेले बैठना है और भोजन का भी मुझे नहीं पता शायद एक टाइम खाना फल फ्रूट या ये सब है ना तो गुरु जी उस कठिन समय के दौरान ना या साधना के दौरान ना
कौन सा ऐसा आपको समय लगा जो कि बहुत मुश्किल लगा और फिर आपने धीरे धीरे कृपा से उसको आपने ठीक कर दिया? कोई तो ऐसा मुश्किल समय रहा होगा ना कि जिस समय आपको ने आपने भी सोचा होगा कि आप पर भी कोई परेशानी आ रही है या तो कोई चीज आप पर हावी हो रही है या किसी तरीके से कोई घटना हुई हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मुश्किल ऐसा होती है जैसे शुरू में चीज़ें ना, जो शुरू में होता है ना जी, शुरू में चीज़ें होते हैं तो बिल्कुल वही वही जैसे कि हम एक गुफा होते हैं जी, गुफा की आसपास में कोई हमारा ज़मीन का जो देवता है ना, ज़मीन का देवता थे रिप्ता बोले हम लोग, ज़मीन का देवता ना, तो उन लोगों को सोचेगा ये नया आदमी है, नया आदमी है, इसको अब ये आदमी यहाँ क्या करे बोलिए, वो लोग तंग करते हैं ना जी, उसको तंग कर, उसमें थोड़ा सा हमारा को कम से कम दो तीन महीना हम लोग मेरे को थोड़ा सा मुश्किल हो गया कि मैं कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये मतलब बार बार उसमें आ रहे, तो फिर मेरे सोच में आ रहा कि हाँ इसको मैंने आगे मैं करने का जो भी हो, मतलब मैं चाहे जो भी कठिन आप जो भी प्रॉब्लम हो चाहे मैं खत्म ना हो जाए, हाँ मैं इसको जो करना है आगे जो भी हो करना है, तो उसके बाद मैंने वो सुर सुर लगा के बाहर वो लगा के बस बस सबको खुश करके रखूँ, ऐसे करते करते धीरे धीरे मतलब तीन महीने के अंदर बिल्कुल ही शांत मिला मेरे को, बिल्कुल शांत, उसके बाद कोई आवाज़ नहीं ना कुछ ठाठ करने ना अपना सपना भी गंदा नहीं, तो सपना गंदा गंदा देता है कोई काला आदमी आगे खींचना बेचना बहुत कुछ, कभी कभी ऐसा है कि मेरे ऊपर कोई चढ़ के बैठा है तो मतलब बिल्कुल हिल नहीं रहे, ऐसा ऐसा भी हुआ कभी फील हुआ छपी चंद फील हुआ, तो हमने सोच रहा हूँ कि पहले तो लोग बोलते अपने छाती के हाथ यहाँ पे हल्ला के सोएगा तो आपको ऐसा होता है, ऐसा होता है हाँ। तो मैंने वो भी देख लिया, वो भी देख क्योंकि मैंने देख लिया क्योंकि मैंने मेरे उस तबियत से टेम्पर मैंने छाती पे हल्ला के होगा सोच के मेरे को दबाया, दबे तो मैंने एक बार मैंने सोचा दबाया तो चलो ठीक है, मैंने छाती को बोल दिया, मैंने छाती बिल्कुल ऐसे कर ऐसे करिए सोया, मैं ऐसे करिए सोया, तब दबाया मैंने यहाँ से दबाई ला, तब मैंने ये भी अब काफ़ी टाइम हो गया एक घंटा तो यहाँ से प्रॉब्लम, फिर इस बार तो मैं सीधा अब इस बार तो मैंने सीधा सो के मेरे हाथ बिल्कुल ऐसा था, मैं बिल्कुल मैंने सोचूँ कि अब इसको तान तो करें, मैं उसको मतलब पकड़ूंगा मैं, अच्छा आपने सोचा उसको पकड़ूंगा अभी मैं, ये मैंने बहुत तंग कर मैं पकड़ने की कोशिश, मैं ऐसे सोचिए तो अब लोग पड़ते हैं छाती के यहाँ अंदर होते हैं तो नहीं है वो भी, मैं ऐसे सोचिए तो वो तो दबा के बिल्कुल हिलने नहीं देते, तो ये हिलने नहीं देते, हिलने नहीं दिया बिल्कुल ही नहीं दिए, पैरालाइज कर रही टाइप का, हाँ ऐसा हुआ, तो मैंने एक उस मुझे कि हाँ है कुछ, क्योंकि पहले बोलता है लोग बोलते आपको छाती की अदर हाल देगा तो आपको नस नहीं घूमता है, तब उसी आपका खून आगे ब्लड फ्लो ये वो तो इससे होता है बोलते हैं, तो मैंने ये भी मैंने वो किया, आपने वो भी ट्राई कर दिया, ट्राई किया मैंने हर किसी की ट्राई की, तो मतलब है कुछ तीन महीने जैसे मेरे को थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम है बहुत कठिन हो गया, उसके बाद आगे आगे तो मेरे को मैं बिल्कुल थोड़ा सा पता मैं बिल्कुल मतलब मजा आया मेरे को, उस बिल्कुल मैं खुश हो गया, मतलब खुश हो गया, अच्छा मज़ा आ रहा है, हाँ और आगे पढ़ना और आगे उससे और आगे बड़ा खुश हो रहा है उसके बाद, तो अब उसमें तो हम लोग क्योंकि हमारा टाइमिंग आता है तीन साल तीन महीने के बाद एक बार हमने बाहर निकालना पड़ता है, एक बार निकलने तो फिर निकलते हैं हमारे गाँव वाले आके फिर हम लोग को यहाँ पे मैंने फिर वो लोग हम लोग को अच्छी चलाइए मतलब इन्हें हो गया फिर खुश फिर ले जाते हैं उसे हम निकालना पड़ता है उसे, नहीं तो सोचते हैं कि और मतलब बैठ जाऊँ ऐसे ऐसे शांति मिलता है हमारा मन को भी शांति शांति होती है, तब दिल में कभी ऐसा होता है कि आप मैं खुद के लिए तो करके इतना फ़ायदा नहीं, अब लोगों के लिए भी थोड़ा सा सोचना पड़ता है, तभी अभी मैं जो तब से नहीं करता हूँ क्यों नहीं करते बोलते, और लोगों के लिए देना पड़ता है क्योंकि लोगों को यहाँ पे कोई बहुत प्रॉब्लम होता है कहीं कहीं जगह, मतलब हमारे स्पीति अगर छोड़ के नहीं कहीं कहीं जगह मतलब मैं ऑल इंडिया मतलब घूमता हूँ यहाँ से देहरादून और चंडीगढ़ ये कहीं कहीं जाता है फिर वहाँ से लेकर पूरा जगह घूमता है, वहाँ पर भी हर किसी को प्रॉब्लम होता है तो वहाँ उसी प्रॉब्लम को सोल्व करना पड़ता है, तो हमारे उसे जो बुद्ध धर्म में किसी को सोल्व करें तो बस वही एक वो है एक क्रम है ना क्रम एक पूजा ये भी एक पूजा है, ये सोचिए हम अभी मैं तब से नहीं करता अभी ऐसे बैठा हूँ क्योंकि पहले हमने एक दो साल पहले फिर मैं बैठा एक एक महीना बैठा है ना क्योंकि बैठने का टाइम समय नहीं मिलता है क्योंकि लोगों को लोगों का इलाज भी करना होता है, तो मेरे खुद के लिए तो बहुत ठीक है, खुद के लिए तो अगर मैं तब से नहीं तो खुद के लिए चलो मैं अपना तो कल मरने के बाद मैं अपना रास्ता पकड़ लेंगे मैं खुद हो जाएगा ठीक, खुद के अगर अंदर बैठेगा तो खुद के लिए ठीक है, अब हमारे अंदर ये पावर दे के फिर लोगों को मैं हमारा जो अंदर का जो यंत्र बोलता है ना जी पढ़ा लिखा जिन्हें भी अपने अंदर बैठ के रखे कुछ फायदा नहीं, अब लोगों को शिक्षा देना हमने बिल्कुल इस तरफ से ये है इस तरफ से ये है, वो लोगों को मतलब जिस प्रॉब्लम है उनको प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं सोल्व करने यही एक धर्म सोचता हूँ मैं, बिल्कुल बहुत बहुत अच्छी बात है गुरु जी बहुत अच्छी सोचिए, और साधना के दौरान कभी आपको भगवान बुद्ध के दर्शन भी हुए? हमारे गुरु में जगह तो जैसे गुरु पूर्णिमा संभव है ना उनको तो होता है जी कभी, अच्छा कभी हम क्योंकि हम इसी का करते जब है ना जी जो भी करते हैं उसके जहाँ हमारा जो
नाचंग गीत पढ़ने हमारे सबसे तंग गुरु हमारे यही ना जी इन्हें गुरु मुझे नहीं बाल लंबा अच्छा ये है ये है भगवान जी हाँ जी इनका भी बाल भी क्या नाम बताया था हमने आपने गुरु पन्ना संभव जी गुरु रिंपोचे हुआ हम गुरु रिंपोचे बोलते हैं गुरु पन्ना संभव रिंपोचे रिंपोचे गुरु रिंपोचे हाँ जी अच्छा इनको भी जैसे बाल भी इन्ना बाल भी लंबे हम उसके मतलब नाचंग गीत पढ़ते हैं जी उसी थोड़ी ज्यादा तो मतलब उनका तो कभी अभी भी बताया ना मतलब जो भी होता है उसी का उसी का अभी बताया ना अच्छा 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 और ये मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ इनके पास शस्त्र अस्त्र भी है हाँ जी, हाँ, अस्त्र भी है सिर में मुकुट है हाँ जी, और आंखों में थोड़ा सा एक तेज से है आंखों हाँ, में ना हाँ जी, और हाथ में भी कुछ पकड़ा हुआ है पकड़ लिया जी, हाँ जी हमारे जो है जी, 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 हमारे जो घंटी नहीं जी अच्छा ये है आपके इसको दिखा सकते हैं हम क्या ये घंटी बोल रहे हैं जी ये हाथ में पकड़ लिया अच्छा रोजे पकड़ सकते हैं अच्छा जी हाँ जी इनकी थ्रू पूजा हमारे पूजा होता है ना इनके थ्रू इसीलिए घंटी रखा है हाथ में घंटी रखा है एक हाथ में सिमुम लंबा सिमुम इसमें उम्र लंबा होने के लिए ना हाँ जी जैसे हमारे उम्र लंबा नहीं होता है उम्र जैसे हमारे उम्र है ना उम्र उम्र लंबा होने के लिए लंबा होने के लिए इसीलिए सिमुम होता है अच्छा सिमुम रखा है ना अच्छा 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 ओके ओके आगे त्रिशूल रखूँगा त्रिशूल है ना त्रिशूल है हाँ मैं वही सोच रहा था कि त्रिशूल है ना और देखो ये इनके साथ में कोई माता है जी इनके यहाँ पर साथ में एक दूसरी वाली भी है ये भी सेम ही है या इसमें कुछ कोई और है ये डोलमा बोलते हैं डोलमा है ना डोलमा ग्रीन तारा नहीं है जी तारा ग्रीन तारा यस माँ तारा जी 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 तरदी भी है जी डोलमा बोलते हैं डोलमा छुरुंग टूसुम बोलते हैं ना हमारे जी जी हमारे तीन आते हैं इसमें ना तीन छुरुंग टूसुम बोलते हैं एक में मातम भूत एक में गुरुमुछे एक में डोलमा है ना तीन जानो पड़ता है हमारे छुरुंग टूसुम बोलते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैंने जैसे गुरु जी ऐसे सुना था ना कि जैसे हम जो माँ तारा की साधना करते हैं ना हाँ जो 10 महाविद्याएं होती हाँ, है हाँ, जिसमें से माँ काली माँ तारा माँ छिन्मस्ता हाँ, हाँ, वो होती है तो वो तारा माँ का ही रूप तारा एक ही रूप है एक ही रूप है सिर्फ ये है जी करने का लोगों का सिर्फ करने का तरीका अलग है जी तरीका पूजा करने का तरीका अलग है लास्ट में जो मिलता है जी एक ही जगह मिलता है जो है ना जी हमारा जैसे कि आपका पर्वती नहीं है पर्वती माता ये सब हमारे पूजा में अभी आता है वो आता है पूजा में हाँ, जी 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 एक ही है तो अब लोगों को जो जिसको वो नहीं है जिसको समझ नहीं आता ना जी हाँ, जो है ना वो सोचते हैं कि ये मैं इस धर्म को ऐसे बोलता ना जी हाँ, अब जो मिलता है तो एक जगह मिलता है जो हम लास्ट में हम पूजा कर देते हैं ना जी वो एक ही जगह मिलता है वो अच्छा आपका कहने का कि देखो रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जो मंजिल है और भगवान जो लास्ट में हमें रस मिलता है प्रभु का एक ही है भगवान एक ही है एक जगह मिलेगा ना ये सिर्फ थोड़ा सा हमारा तरीका अलग करने का तरीका पूजा करने का तरीका थोड़ा सा अलग है ना तरीका अलग है बाकी मतलब मिलता है एक जगह मिलता है काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ जी एक जगह मिलता है आपने बहुत बड़ी बात कही और मतलब लोगों के दिमाग में भी ये चीज शायद उनको अवेयरनेस बनी होगी उनके दिमाग में भी कि तरीके अलग अलग है लेकिन जैसा आपने कहा कि मिलेगा एक ही जगह है ना अब जैसे माँ तारा है माँ तारा भी माँ पार्वती का ही रूप है ना माँ काली है तो और मैंने ना एक हाँ मेरा थोड़ा सा सवाल है जब मैंने ना दलाई लामा जी के मुंह से ना वो ओम तारे तू तारे सुहाव जो मंत्र सुना ना मैंने तो वो मुझे लगा कि हाँ ये तो इसमें माँ तारा का नाम भी आ रहा है फिर मैंने उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट किया तो मतलब बहुत सारी ये चीज़ें हैं ये जो कि हमें अपने धर्म की ओर या अपने पूजा की ओर साधना की ओर ईश्वर की ओर ले जाती है और कर्म जैसा आपने कहा कर्म सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो गुरु जी आखिरी सवाल मेरा ये है कि मेडिटेशन क्योंकि मैं जब भी मैं अपने दिमाग में भगवान बुद्ध का बारे में सोचता हूं तो मेरे दिमाग में आता है कि मेडिटेशन जिन्होंने जो कि मेडिटेशन के सुप्रीम थे हाँ जी तो हम मेडिटेशन के बारे में आपका कहना आप मेडिटेशन भी तो साथ में करते होंगे शून्य ध्यान या कुछ भी मेडिटेशन के बारे में हमारी जनता को थोड़ा सा अवेयर कर दीजिए बता दीजिए मेडिटेशन क्या है इससे क्या होता है मेडिटेशन करने से सबसे पहले तो मेन तो अपना मेरा सिंबल है ना जो दिल बिल्कुल सबसे पहले अपने दिल साफ होना चाहिए सबसे पहले जी मन बिल्कुल साफ होना चाहिए सबसे पहले ना जी जैसे मैंने कुछ पूजा आगे मैंने कुछ करना होता सबसे पहले अपना मन है ना मन बिल्कुल साफ सबसे पहले जी साफ करना पड़ेगा जी जैसे कि ये नहीं ये करे वो करे वो जो नहीं होते जो बुरा बुरा लोग बुरा होता है ना वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए हमारे बुझे किसी दूसरे के प्रति कोई द्वेष ना हो हमारे दिमाग ईर्षा उर्षा सारी खत्म हमारे फिर भी आएगा हमारे दिमाग में जैसे हम रीजन करते हैं तो वो दिमाग में आ जाता है ना आ जाता है बहुत उसको सीधा जो होते हैं उसको सीधे निकलता है हमने
सीधे अगर आ भी गया तो हम उसको निकाल उसको फिर निकालते हैं, फिर निकाल के फिर उसी उसी हिसाब से एक मतलब एक सोच में मेडिटेशन में हमारा सोच में एक सोच होगा हमारा ना जी आगे हमारा एक एक भगवान या जो आगे मतलब एक सोच होगा हमारा जी उसमें चले बिल्कुल जो बुरी सोच तो बिल्कुल मतलब रहना नहीं सबसे पहले मेडिटेशन फिर मेडिटेशन कमी नहीं थे फिर उसमें क्या होते जो लोगों का सोच और सब हमारे परिवार का सोच सब कुछ ना जी उसमें हमारे खजल हो जाते हमारे माइंड पूरे खजल रहते उस पर आदमी कहीं कहीं आदमी जैसे कि डिस्टर्ब नहीं होता माइंड डिस्टर्ब नहीं होता उस मतलब मेडिटेशन हमारा जो बिल्कुल सब नहीं होता ना कि माइंड डिस्टर्ब होता है हमारा डिस्टर्ब होता है तब तो फिर ध्यान में जाने का कोई फायदा ही नहीं है वो सारे विचार आ रहे हैं तभी तो माइंड डिस्टर्ब होगी फिर वापस आता है जैसे मेडिटेशन खत्म हो गया तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया इसके ये तो कैरे हो गया कोई बोलता है ना जी क्यों बोलते तो मतलब उस सोच मतलब अलग आई मेडिटेशन में तो वो सोच जो आएगा जो उस सोच को निकालते ना हमने उसी टाइम फिर बिल्कुल निकाल के अपना जो सोच है उसको करते बिल्कुल मेडिटेशन में जब हम रहते ना जी बिल्कुल हमने उसे भगवान जो भगवान सोच ये मतलब कहाँ जाए हमारे पास जैसे कि हम अपना भगवान अपने इधम करते उसमें हम आइए और इसी बात लोग लो क्या कहाँ जा रहे जैसे समझन थमझन बोलते थे ये जो जंगल जानवर जैसे हो गया और ये चीज चिड़िया जैसे नहीं वो लोग होते हैं चिन्ह जैसे उनको देख रहा हम उसको इनको फंजे होने से जो मतलब जो भी क्योंकि वो तो भूखा बैठता है ना हम लोग तो चलो तालजोर की मिली बोले तलवा या तन जोर चू बोलते हैं बिल्कुल हमको पैर वेर और हाथ सब सब कुछ मिला आंग सब कुछ दिया भगवान है ना तो बिल्कुल आदमी जो जन्म लिया ना वो बिल्कुल मिलू जिम पूछे बोलते मिलना बड़ा मुश्किल होता है वो इंसान का जन्म बिल्कुल सही बिल्कुल बड़ा मुश्किल है वो मिलना बड़ा मुश्किल होता है तलवा चूदा जुड़वा गया था ना तलजूर की मिलू बोलते हैं ना वो मिलना बड़ा मुश्किल होता है अब लोग बोलते हैं हाँ क्या मैं मार जाएंगे फिर मैं ऐसे बोलते हैं ना ये थोड़ा सा गलत है सुनने में क्योंकि एक सोच ये गलत है मैं तो मेरे हस्बैंड में सोच रहा हूँ ना क्योंकि नहीं तलजो ये मिल जो आदमी का जन्म मिलना बड़ा मुश्किल होता है बहुत कठिन करना पड़ता है इसलिए अब देखो ना यहाँ से कुत्ता लो देखो किन जानवर देखो ना हम ये सोच रहे हैं कि इनको अब मुक्ति मिला हमारे जो तपस्या करते हैं जी उसमें आप जब करते बस सिर्फ यही सोचा कि जिसको मुक्ति मिली उसको मुक्ति मिलना और ये जो इनको शांति मिलना बिल्कुल शांति इनको बट ये एक ऐसा जो एक सोच है ना और बुरी सोच तो बिल्कुल लाना नहीं इसको मेडिटेशन उसको बोलते हैं हमारा जी 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 वो है जी मेन मेन सच बोले जी माइंड एक जगह लाना हमारे जो है ना माइंड एक जगह माइंड जैसे बोले थे एक दिन मेरे को ये भी पूछे किसी ने बोला आपका माइंड कहाँ है बोला पूछा जैसे मेडिटेशन मैंने आपको मैंने बोला तो मैंने बोला हाँ मैन मेरे पास बोला फिर मेरा आपका माइंड कहाँ बोला अच्छा मैन मेरे पास है बोला फिर अभी बोला उन्हें पूजा करना चाहते हैं बोला ठीक है मैंने बोला मुझे पूजा करने से तो मेन अपना मन बिल्कुल साफ होना चाहिए मन बिल्कुल साफ सोच विचार नहीं बस अपना सिर्फ भगवान का सोच जैसे कौन सा पूछा उसी का सोच करना बस फिर होता है फिर करते करते बिल्कुल नहीं मिले बोला मैं जो हमारा सेम्बो बोलता है सेम चीज़ ना हिंदी मन है ना और मन नहीं मिला उसको मन नहीं मिला बिल्कुल नहीं मिला उसको मन बोला मन बिल्कुल नहीं मिलता उसे बोला ना मन नहीं मिलता मैंने बोला मन मिलेगा जी उसको हम कोशिश करो मन मिलेगा बिल्कुल नहीं मिला जी मिलते मिले नहीं मिला नहीं मिला बिल्कुल नहीं मिलता लास्ट में नहीं मिला जी नहीं मिला फिर मैंने बोला एक इसको मैंने यहाँ से एक झटका लगाया जी ऐसे ऐसा लगा मैंने ना चीनी में बोला आपका मन कहाँ है बोला मैंने बोला यहाँ बीमार हो बोला हाँ ये आपका मन है जो हमारा मन है जी यहाँ पहुँच गया अभी यहाँ नहीं पहुँचा वो बोला हाँ लो इसको बोलते मन बोलते आपका मन यहाँ पटरा बोलते हवा की तरह है वो तो जैसे कि यहाँ से अभी सोचेगा हमारा मन तो सीधे अभी सोएगा सीधा कुल्लू सोचेगा ना कुल्लू से हमारा मन तो चलेगा कुल्लू चलेगा ना जी उसको पकड़ लो बोले मैंने पकड़ और पकड़ नहीं पड़े फिर मैंने लगा दिया आपका मन आप आए हाँ यहाँ ये आपका मन यहाँ पहुँच गया आपका मन यहाँ पहुँच गया उसको पकड़ो बोला सबसे पहले उसको पकड़ समय उसको छोड़ना नहीं उसको छोड़ेगा तो फिर तो नहीं होगा तो गुरुजी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने हमें समय दिया अपने यहाँ पर बुलाया और बहुत अच्छा लगा हमें और हमारे दर्शकों को भी बहुत सारी चीज़ें समझ आई होगी क्योंकि जो हमारी ये विलुप्त जो चीज़ें विलुप्त होने वाली है या जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो लोग गलत समझ रहे चीज़ों को हमारा फर्ज बनता है गुरुजी कि हम उनको सही दिशा में उनको हम लाएं तो बहुत बहुत धन्यवाद है बाकी आखिर में आप हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं हम तो यही कहना चाहता हूँ कि पहले मेन तो बस किसी को शांति मिले ना जी हाँ जी बस यही शांति में तो बहुत वही है बस हमारे उसमें किसी को किसी जो भी प्रॉब्लम है तो मतलब एक दूसरे को साथ दे किसी को जैसे कि नहीं था आजकल के टाइम में तो जैसे कि कोई बहुत है ना जी जलस ज़्यादा थे कि जो अमीर हो तो मतलब
है अमीर है और बढ़ते जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हमारे उसमें ये सोच है किसी के बेचारे, मैं तो सोच रहा हूँ हमारे घर में कोई भी आएगा, कोई जैसे पंडित आ जाए कहीं से भी आ जाए जी, वो कोई बोला हमारे यहाँ हमारे डोनेशन है इसके लिए, उसको कभी खाली नहीं छोड़ने, एक बात ये है खाली नहीं छोड़ने कभी भी। तो वो भी एक दान वो होता है हमारा, एक धर्म होता है वो जी, उसको एक धर्म उसको बिल्कुल मतलब खाली नहीं छोड़ना, जो भी अपना जिन्ना बनता है मतलब इतना जरूरी अपना इसे जिन्ना बनता है उसको कभी खाली नहीं छोड़ना उसको, क्योंकि वो खाली नहीं छोड़ना उसका दिल में बहुत वो होता है उसको मतलब वो उसमें होता है ना सिम्बा उस दिल में वो तो नहीं दिया उसमें सोचिए, तो उसको खाली नहीं छोड़ना हमारे को यही मैं अभी बोल रहा हूँ उसको किसी का साथ देना और दूसरे को साथ देना जी हमारे, मैं तो जिन्ना हो सके कोशिश यही करता हूँ किसी को साथ देने, नहीं तो हमारे मेरे को अपने जिसम को इतना मत दियो मतलब मेरे हमारे फैमिली बोलते हैं क्यों कर रहे हैं आपने पूजा, तो आपने मरते था आपने पूजा करना है पूजा करता आप इतना दोस्त क्यों दे आपने वो अपने जिसम मतलब मैं बोलूँ और लोगों को थोड़ा सा फंसे हो जाए ना लोगों को ना तो शांति मिलता है ना लोगों को शांति, तो मेरी यही है कि लोगों को शांति करने का, जैसे कि मैं यहाँ से जाता है 100 किलोमीटर सुबह जाके शाम वापस आते हैं पूजा करने वापस आते हैं वापस आते हैं, तो रात ये कभी कभी 12 बजे पहुँच जाता है, तो बोला आप इन्हें क्यों करें, मैंने बोला अब लोगों को फांसी होते तो लोगों को खुश होता है बेचारे, उनके लिए आप लोगों को फांसी करने के लिए यही हमारे यही है कि किसी को बुरा मत करना, अच्छा करने के लिए यही यही बुद्धिज्म का पीस एक शांति एक मैसेज है ना। तो चलिए गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं भी दर्शकों को करता हूँ। दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे भी आप चाहते हैं कि हम इस तरीके के आउटडोर वीडियोस शूट करें, लोकेशन पर जाके शूट करें और बुद्धिज़्म के बारे में और आपको बताएं, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब में फैला दें वीडियो, क्योंकि गुरु जी ने एक बात कही थी कि सब धर्म एक ही है, रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल सबकी एक ही है। तो आप भी कभी भी आपके मन में कभी भी भेदभाव आए कि हम तो हिंदू है वो ये है वो बुद्धिज़्म है, तो ये कुछ नहीं है, सब एक ही है, भगवान के पास सब ने एक ही रास्ते से जाना है। हाँ चीज़ें अलग अलग हो सकती है, जैसे प्रक्रियाएँ अलग अलग हो सकती है, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है। तो चलिए तब तो दोस्तों तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक, धन्यवाद, जय भोलेनाथ। तो गाइस मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होगी, जैसे कोई माला ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से बुरी नज़र से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन किसी चीज़ को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए बिना एनर्जाइज किए वो मात्र एक शोपीस है और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नज़र काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नज़र सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे, और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइज़ अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहाँ पर आप प्रोडक्ट चूज़ कर लीजिए और अच्छा लगे तो ज़रूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक, जय भोलेनाथ।